अब जो जी रहे हैं वो है आम जिंदगी, जो हम लोग जी रहे हैं वो है मेंटोस जिंदगी। ये टेंट वेंट किसने लगाया? छोटा टेंट वेंट लगा लो। शायद आपको एक चीज नहीं पता है, वो ये है कि ये भाई साहब भालू से मिल गया है। कौन ट्रैक करते टाइम जैसे सामने से भालू आ गया। ये भाई साहब है ना फुली डेयरिंग बंदे है। ये कहते हैं हम किसी चीज़ों से नहीं डरते। डरते हम डरते सबसे। बताओ किससे डरते हैं? पापा से। बड़े भैया पापा से बहुत डर सकता है। पेड़ है सो इसमें आपको क्या है रात में ठंड बहुत ज़्यादा होने वाली है, तो आपके पास ये जो चीज़ है देखिए इसको मैं थोड़ा निकालूंगा। तो ही निकाला उसको क्रश करोगे पूरा एक बुरादा होता है, उसको हल्की सी चिंगारी दोगे तो आग बहुत अच्छे से पकड़ेगा। तभी जंगलों में जल्दी आग लग जाती है। ये ऊपर तक भाई साहब सूख गए पूरा पेड़। रहने दो सूख खाली पड़ा हुआ है पेड़ पूरा खोखला हो गया। बेसिकली यही है ना कि इसे बोन फायर वगैरह करनी हो तो इसको ले जाओ। ठंड है और सबसे बेस्ट है ये चीज। बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। और ये मिस्टर कालू, कालू जी से हाय। हाय क्या? कालू जी ने जीभ निकाली। थोड़ी सी आगे जाके है प्रशर लेक। वो जिस बस में हम आए थे वो बस हो जा रही HRTC की बस। एग्जाम ने ट्रैक शुरू किया था तब से लेके अभी तक ये डॉग हमारे साथ ही है। और पीछे मौसम बिगड़ रहा है तो जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करते हैं फटाफट से पहुँचे। सॉरी फॉर इंटरप्शन बट मेरे को आपको एक चीज़ बतानी थी बहुत ज़रूरी वाली। जैसे कि हम लोग को पीछे बादल दिख रहे हैं तो इसमें आप और एक्साइटेड ना हो कि भाई यहाँ व्यू बहुत अच्छा, यहीं बैठते हैं। आप वेट होंगे, आपकी बॉडी गीली होगी, रात भर गीले रहेंगे तो सर्दी होगी तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बारिश से पहले एक सेफ जगह। सुन रहे हो भाई साहब? अभी बारिश जल्दी आती है, हम लोग सेफ जगह तुरंत देखनी होगी। सेफ जगह देख के हम लोग को टेंट लगाना है, टेंट लगा के अपना खाने का इंतजाम देखना है और अपने आप को गीले नहीं होने देना है। वार्मर जरूर से जरूर रखना है अगर आप रेनकोट जरूर कैरी करें कभी भी ऐसी जगह, क्योंकि भाई देखो हिमाचल, अब सोचो भाई गर्मी हो रही है 40 डिग्री हो रहा है तो क्या वहाँ पे हम लोग लेके जाए? पर भाई जो ठंडा है ना बाइकर्स भी आ रखे हैं। गांव की साइड कुछ घर इस तरीके के हैं, घर बना रखे हैं पशु वगैरह रखने के लिए। बारिश हो गई यहाँ पर प्रेशर पे, अब जल्दी से जल्दी स्टे ढूंढना पड़ेगा और देखते हैं क्या स्टे में क्या ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। आप जो जी रहे हैं वो है आम जिंदगी, जो हम लोग जी रहे हैं वो है मेंटो जिंदगी। इंडिया का सबसे बड़ा ट्रैवलर मोदी। चले आने है मोर नहीं बड़ के मोर नहीं, तो हम लोग मोर बने हुए नीले नीले। तो दादा कितने हैं तुम्हारे पास पैसे? कितनी पैसे हैं तुम्हारे पास? 15-20। 15-20? अच्छा
तो तुम ही लगे हो बस इस काम में, और कोई भी है घर का मेंबर? और लग नहीं रहे के। अच्छा, और कोई लगता नहीं है इस काम में? मना कर देते हैं। तो बच्चे अच्छे हैं तुम्हारे? वो नीचे है। नीचे कहाँ पर? बागी, कटोला, बागी से कटोला, कटोला पे। अच्छा अच्छा, तो वहाँ से तुम ये चलाने के लिए यहाँ पर आए हो? अच्छा, आप यहीं पर रहते हो? आप अकेले रहते हो यहाँ पर? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मल्टी टास्किंग। अरे सबके लिए होती है एक ही। आपके जोड़ों में दर्द होगा, हाथ पैर में थकावट हो, नसों में दर्द हो, सर में दर्द हो, बुखार चढ़ रहा हो, सबके लिए एक ही है। आगे सो जाना बस। शिव जी क्या बोलते हो? लग गई शिव जी की वो हमारा ये डूड बंदा कभी नहीं थकता। चलो, यहाँ असाइनमेंट्स बना हुआ है। यहाँ से 1 किलोमीटर है। Yes, dude. I know that. You're making the videos? Yeah. Okay. You look too good. Basically, ठंड काफी बढ़ गई है। ठंड की वजह से इसलिए स्टे भी जल्दी देखना पड़ेगा हमें। ओए होए होए होए। हाँ, ये है लेक। That's the first view of Prashar Lake. और मौसम देखो क्या गंदे वाला खराब हुआ है। हमारे आते ही मौसम खराब हो गया। भाई प्यारा मौसम है, किसने बोला खराब है? अगर तू एकदम टॉप पे वहां होता सोच। Just imagine. मैं सातवें आसमान पे होता। ऐसी तेजी हो गई होती भाई। भाई ठंड में गूज़बम्प दे, गूज़बम्प क्या खड़े हैं भाई साहब, जेल लगा के खड़े हैं। मर्द एक ऐसी चीज है भाई, कहीं ना कहीं मर्द और भौरा होता है। भौरा जो फूल में होता है ना, उसकी सुगंध लेता है बार बार, ठीक है ना। वो कभी आज इस प्राशर के फूल पे बैठेगा, कल दिल्ली के फूल पे बैठेगा, कभी वो कहीं भौरा और मर्द का कोई ठिकाना नहीं होता। कहीं ना कहीं उड़ान कहीं ना कहीं भरी देते हैं हमारे पीढ़ी पहले। छह पीढ़ी हमारी क्लोज हो गई। तो वो बुजुर्ग जिस वक्त रहे उन्होंने नमक के साथ रोटी खाई, आज हम साथ साथ सब्जियों के साथ रोटी खाई। अच्छा, आपके पिताजी पुजारी साथ पूछते भाई? इस वक्त हम है, इस टाइम आप पुजारी? हमारे आगे बेटे होंगे, औलाद होगी, वो होगी। कौन साथ ले गए? यही छूट गया ना जगह, वैसे की वैसी रही। प्राशर में गवर्नमेंट हो गए यहाँ पे दरबार में। अगर वो शख्स अगर कोई उनमें से जीता रहा होता तो वो भी देखते थे प्राशर में क्या बहुत कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनका दौर ऐसा था कि उन्होंने नमक के साथ रोटियाँ खा सकती। उनको कुछ दिखाते हम कि हमने प्राशर में ये किया, तो उनको बड़ी खुशी होती कि नहीं इन लोगों ने सही गवर्नमेंट की। लेकिन वो नहीं रहे जगह वैसे की वैसे, जगह तो बहुत कुछ बन गई। पहले तो था ही नहीं कुछ, यहाँ रहने के लिए नहीं था लोगों के लिए, कोई व्यवस्था नहीं थी। अच्छा, ये मंदिर का जो सराउंडिंग एरिया है, ये जो बना हुआ है इस तरीके, ये पहले का बना हुआ है? पहले का ये भी पहले का बना हुआ है सारा? ये तो अभी पुरानी थी, ये बाद में रिपेयर की गई, नए तरीके से बना दी गई, छोटी थी, नए तरीके से लोगों का आवाजाही ज्यादा होगी शुरू। यहाँ पे झील है एकदम नेचुरल अपने आप। हाँ, ये भाई बहुत कुछ नहीं है, ये नहीं वही। और इसमें पानी का जो सोर्स आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है? कोई पता नहीं, कोई नहीं। मतलब आसपास से कुछ झरने कुछ भी नहीं है कुछ, ये पता है कितनी गहरी होगी? कोई पता नहीं भाई, नापी गई है कई बार, लेकिन गहराई बहुत गहराई है, काफी गहरा है। कई चीजें ऐसी होती है कि भाई जैसे देव शक्ति के साथ छेड़छाड़, ये देव शक्ति की चीजें है, तो इनके साथ छेड़छाड़ करेंगे तो फिर कुछ वर्षों के बाद। अभी हम ऊपर से आ रहे थे, वहाँ पर इतनी बोतलें पड़ी हैं। वही बोला मैंने ना कि भाई यहाँ लोग आते हैं पिकनिक मनाने, धार्मिक नजरिए से वो नहीं देख रहे इस चीज को, वो बेसिकली है ये धार्मिक प्लेस जगह। हमें नजारा देखा, आप मिले, बिल्कुल आपने इतनी अच्छी अच्छी बात है, हर चीज अभी पॉजिटिव। हम बस ऊपर चढ़ के आए हैं, वहाँ पर 2 मिनट के लिए रुके, बस मंदिर देखा, लेक देखी, एकदम से सारी थकान दूर होगी एकदम से। हाँ, ये चीज थी। 13-14 जून को बड़ा मेला था यहाँ पे, काफी बड़ी जनता आई थी, 2-2.5 लाख के आसपास जनता। ओहो, मिस कर दिया। जिसमें पालकी आती है देवी देवता। हाँ, मैंने एक जगह फोटो देखी थी, थोड़ी दिन पहले की फोटो अपलोड है। मैंने कहा भाई यार ये काम तो पालकी आई थी। स्पीति के अंदर जैसे जो मकान बनते हैं, वैसे तो मकान यूं बनता है जैसे यहाँ पर है, बर्फ पड़ी लटक गया, ठीक है, पानी आया नीचे हो गया, लेकिन उधर प्लेन है और ऊपर घास डाल करते हैं, इसका रीजन क्या है? उस घास का
हाँ जी वो जो दड़बे टाइप बोलते हैं हम, हाँ हाँ वो घास उगाई प्रॉपर इस काम के लिए जाती है, उसके लिए भाई वहाँ पे साल में 7 महीने बर्फबारी रहती है, ठीक है ठीक है ना, गर्म रहने के लिए, गर्म से बचने के लिए वो। ओहो, लेकिन एक और चीज बताओ, वो प्लेन है तो वो बर्फ तो नीच उड़ती हो, आप जमीन के अंदर जाओ आपको गर्मी नहीं लगेगी, गर्मी नहीं लगेगी ना, नहीं वो पानी चुचोता नहीं है, नहीं अभी देखो आस पास में मिले होंगे आपको, वैसे अभी पड़ती है स्नो, तो पड़ती है जम जाता है तो 7-8 फुट जम जाता है सर्दियों में तो यार।